और अब बात ओमान की कर लेते हैं, जहां पर बंधक बनाई गई महिला दीपिका सकुशल भिलाई लौट आई है। न्यूज 18 से बातचीत में महिला ने बताया कि उसने ओमान में 8 महीने में कैसे अत्याचार सहे हैं। उसने बताया कि ओमान में अभी भी कई महिलाएं फंसी हुई हैं। अत्याचारों से तंग आकर कुछ महिलाएं छत से भी कूद गई हैं, जिससे उनकी जान चली गई। उसने बताया कि लड़कियों को झूठ बोलकर वहां ले जाया जाता है और उन्हें वहां बेच दिया जाता है। उसने भारत सरकार से उन महिलाओं की मदद करने की गुहार लगाई है। उसने प्रदेश सरकार और वैशाली नगर विधायक को भी धन्यवाद दिया, जिनकी कोशिशों से वो ओमान से सकुशल अपने वतन लौट सकी है। कुछ दिन पहले ही दीपिका ने वीडियो जारी कर ये कहा था कि उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और जब वो वापस वतन लौटने की बात करती है तो 3 लाख रुपए उससे मांगा जा रहा है, जिसके बाद अब सकुशल वो वापस लौट आई है। बनाकर रखी गई दीपिका अब सकुशल भारत लौट आई है और आप देख सकते हैं कि दीपिका हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। दीपिका जी, कितना कठिन ये दौर था और किस तरह से उस दौर को पार करते हुए आप भारत पर वापस आए? मैं तो बहुत हिम्मत करी हूँ अपनी फैमिली की वजह से, विधायक सर जी की वजह से, और मैडम ने भी मेरा सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा तो मीडिया वाले को, मैं सभी मीडिया वाले को धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं जिनके वजह से यहाँ खड़ी हूँ, अपने बच्चे, अपने पति के पास, और सबसे ज़्यादा मैं वो भैया, क्या नाम है उनका, मिश्रा जी को, अगर वो मेरे हस्बैंड के सपोर्ट में खड़े नहीं होते, विधायक सर जी के पास वो गए नहीं होते, मेरी तकलीफ़ उन्हें बताए नहीं होते, तो मैं यहाँ इंडिया पे तो नहीं आई होती। बंधक उन्होंने इसलिए बना के रखा था मुझे घर के बाहर, मतलब घर से ना निकल पाऊँ, ताकि मैं कंप्लेन ना कर पाऊँ। वो ये भी डर में थे कि कंप्लेन कर दूँगी, इन्हें मारा, इसको मारा पीटा गया, अब इसको इतना टॉर्चर किया गया, तो ये घर से निकल के भग के तो कंप्लेन करेगी। इस वजह से मुझे घर के अंदर ही कैद करके रखे, मेरा वाईफाई पूरा काट के रख दिए थे। कब से बंधक बना के रखे थे और किस किस तरह से टॉर्चर किया जाता था? टॉर्चर ये किया जाता था, छोटी छोटी कामों को लेकर के, मैं जिस काम के लिए गई हूँ वो काम में तो मेरा था ही नहीं, फिर भी मैं वो काम करती, अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई तो मुझे बहुत गाली गलौज किया जाता था। सीधा धमकी भी ये भी दिया, तेरा पैसे से ये काटेंगे, तेरा सैलरी ये करेंगे, तेरा बहुत चर्बी चढ़ गया है। गाली गलौज भी काफ़ी गंदी गंदी थी, जो मैं बता नहीं सकती मीडिया को। फिर सवाल ये उठता है कि भारत से आप ओमान तक का सफ़र तय करें, लेकिन गए कैसे, ये प्रोसेस कैसे हुआ, और क्या आपको बहला फुसला कर ले गया था कि अपनी मर्ज़ी से? नहीं, मैं पहले तो अपनी मर्ज़ी से मैं जाने को रेडी थी, क्योंकि अच्छी सैलरी, 30 से 40 हज़ार तक की सैलरी कुकिंग का मिल रहा है। मैं बोली एक लेडी से, काफ़ी छोटे घर ये भी बोला गया। जब वहाँ गई तो मुझे पता चला कि इतने बड़े घर है, इतनी बड़ी फैमिली है, मुझे झूठ क्यों बोले? तो बोलते अभी आ तो गई हो तो कुछ कर नहीं जा सकता है, जाना चाहती तो पैसा भरो और जाओ। मस्कट में भी एक महिला से मुलाकात हुई थी, एक महिला जो थी वो अब्दुल्ला की बहनी है। ये अब्दुल्ला कौन था? ये अब्दुल्ला हैदराबाद का ही है, जो लड़कियों को भेजता अपने इंडिया से। अच्छा। वो भेजता है इंडिया से लड़कियों को, काफ़ी अच्छी तसल्ली देता है, उसके बाद वो इंडिया भेजता है और लोगों से 2 लाख रुपए लेता है, जिसके घर में लड़कियाँ देता है। मस्कट इंडिया से पूरे लड़की, जितने बहुत सारी लड़कियाँ गई, वो करीबन बेंगलोर से एक लेडीज़ को भेजा है, हैदराबाद से भेजा है, पंजाब से भेजा, बहुत सारी लड़कियों को भेजा भेजने के लिए। किस तरह से इनकी दास्तान रही थी, किस तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा था, और ये भारत की वापसी कैसी हुई है? इनके चाहे थे कि जो ओमान में और भी करीब 50 जो महिलाएँ जो फंसी हुई हैं उनको भी जल्द से जल्द भारत लाने की कवायद होनी चाहिए। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर।